इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बीकाजी ब्रांड का भी है और 3 से 7 नवंबर को बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल का आईपीओ भी खुलने वाला है। आईपीओ पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए कंपनी के एमडी मिस्टर दीपक अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि ये जो आईपीओ है ये सिर्फ ओएफएस रूट है, क्या कंपनी को क्या इसमें पैसे नहीं चाहिए होंगे, फंड्स कहाँ यूज होंगे, एक्चुअली क्या प्राइमरीली यूज होगा फंड्स का? एक्चुअली हमने आखिरी एक साल में काफी इन्वेस्ट किया है, आखिरी एक से डेढ़ साल में, और अगले एक साल में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए ऑलमोस्ट सारा मनी स्पेंड हो चुका है, कैश ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं। सो हमको इतना ज्यादा अभी कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हमारे से प्रॉफिट निकलेगा उसी से हमारा ये हो जाएगा, इसीलिए ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। एंड लास्ट ईयर हमें गवर्नमेंट से एक पीएलआई स्कीम भी मिली है, सब्सिडी मिली है, तो वो सब्सिडी भी अभी हमें हर साल मिलती रहेगी अगले 5 साल तक, तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। इसलिए ये फिलहाल अगले 1 से 2 साल के लिए ये ओनली फॉर ऑफर फॉर सेल है। अब ये इंडियन स्नैक बिजनेस में जो कंपटीशन है इसे आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपका प्राइमरी बिजनेस तो वो भी है और इसके अलावा आप चिप्स कैटेगरी में भी हैं जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो इस बीच ये जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इस पूरे सेगमेंट में ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज प्लेयर दोनों की तरफ से, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए हमारा ब्रांड अभी भी सबसे ज्यादा एथनिक स्नैक्स ब्रांड है, हम लोग गुजिया नमकीन पापड़ मिठाई के लिए जाने जाते हैं। वेस्टर्न स्नैक्स हमारे एक साइड प्रोडक्ट्स है जो हमको एक शेल्फ को कवर करने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली लास्ट एक साल में बहुत एग्रेसिवली असम, बिहार, साउथ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश, वहाँ पे अभी हम लोगों ने फैक्ट्रीज लगाई है और वहाँ पे वेस्टर्न स्नैक्स स्टार्ट किया है। तो वहाँ पे वेस्टर्न स्नैक्स स्टार्ट करने से हमारी सप्लाई कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये काफ़ी सेव हो रही है, साथ में रॉ मटेरियल कॉस्ट भी कहीं ना कहीं सेविंग हो रही है, तो उसका हमको बेनिफिट मिलेगा और इमिडिएटली उसको फास्ट डिलीवरी मिलेगी, फास्ट कंजप्शन होगा, फ्रेश मिलेगा। तो वेस्टर्न स्नैक्स पे भी हमको ऐसी उम्मीद है कि हमें थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिलेगा, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि वेस्टर्न स्नैक्स हमारे पूरे पोर्टफोलियो का जो सेल है वो अराउंड 5-6% ओनली सेल्स है, एंड हम लोग अभी भी एथनिक स्नैक्स का ही हमारा फोकस है, तो हम लोग उसी पे ही अपना फोकस जारी रखेंगे। बिल्कुल दीपक, प्रोडक्ट एक्सपेंशन तो बेहद ज़रूरी है, ये आपने सही कहा, लेकिन प्रोडक्ट एक्सपेंशन के साथ साथ एरिया वाइज बिजनेस एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन ऑर्डर टू स्ट्रेटेजाइज ग्रोथ। केपिक साइकिल से जुड़े क्या कुछ प्लान्स हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं जो आप बनाकर चल रहे हैं? देखिए अभी हमारी जो टोटल कैपेसिटी है वो अराउंड 600 और 650 टन्स है, और अगले एक साल में ये टोटल कैपेसिटी 850-900 टन्स की कैपेसिटी हो जाएगी, और टोटल जो ग्रॉस ब्लॉक है वो करीबन 950-1000 करोड़ का हो जाएगा। तो ये हमने पीएलआई के चक्कर में और साथ में एग्रेसिवली जो हमने प्लान किया अलग अलग एरिया में एक्सपेंड करने के लिए, जैसे बिहार में 2 यूनिट्स आ रही है, अभी हमारी फ्रोजन यूनिट आई है, अभी हमने रिसेंटली एक चिप्स की फैक्ट्री लगाई है बीकानेर में, फिर असम में अभी हमने फैक्ट्री लगाई, मुजफ्फरपुर में है, साउथ इंडिया में है, नियर बैंगलोर दैट इज टुमकुर, और कानपुर में अभी किया है। इस रीजन से ये कैपेक्स अभी बहुत ज्यादा हुआ है, पर इसी साल हुआ है, तो इसकी कैपेसिटीज आने में करीबन 1 से 1.5 साल लगेंगे, पर जब सारी कैपेसिटीज आ जाएंगी तो ये हमको बहुत बेनिफिट देगा, और इसके चलते हुए अगले 5 ईयर्स में हमें कोई ज्यादा बड़ा कैपेक्स नहीं करना पड़ेगा अदर देन मेंटेनेंस और या फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के अलावा। राइट, एक चीज़ और दीपक, क्योंकि कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं या नए लॉन्चेस हैं जो आप लोग प्लान कर रहे हैं? देखिए नए प्रोडक्ट्स में हम लोग तो हर तरह की नमकीन निकालते रहते हैं, देखते हैं कि कौन सी नमकीन कहाँ की अच्छी है, कभी कोई साउथ इंडियन रेंज निकालते हैं तो कभी गुजराती रेंज निकालते हैं, और पर आजकल थोड़ा सा जमाना जैसे हेल्दी बेस्ड भी चल रहा है, रोस्टेड भी चल रहा है, तो हम लोग रोस्टेड नमकीन सभी काफी निकाल रहे हैं। अभी हमने मल्टीग्रेन गुजिया निकाली है, ऑल्दो इट इज फ्राइड बट स्टिल इट इज इन मल्टीग्रेन, एंड फिर हम लोग कुछ हेल्दी चिप्स निकाल रहे हैं। अभी हमने वेस्टर्न स्नैक्स में भी अभी हमने जो चिप्स निकाला है वो केटल स्टाइल एक चिप्स निकाला है, मतलब थोड़ी उसकी बाइट हार्ड है, और फिर एक्सट्रूडेड स्नैक्स में भी कुछ ना कुछ हम लोग डेवलपमेंट करते रहते हैं विद इंडियनाइज्ड टेस्ट, विद इंडियनाइज्ड टच।
ओके, तो ये कुछ नए प्रोडक्ट्स कंपनी की लाने की योजना है दीपक। इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे, महंगाई के चलते इनपुट कॉस्ट में जो बढ़त हुई थी, अब आपकी कंपनी के लिए वो कैसी है? क्या वहाँ पर कुछ नरमी देख रहे हैं आप? और आने वाले समय के लिए क्या कुछ प्राइस हाइक लेंगे? इनपुट कॉस्ट का जो प्रेशर आया है उसको आगे कस्टमर को पास ऑन करेंगे आप? देखिए, क्वार्टर वन जो था वो इन्फ्लेशन के रीजन से रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल और सभी तरह के जो मटेरियल्स थे वो काफी हाई थे। उसके रीजन से प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे और जो मार्जिन्स थे वो भी बहुत सिंक्रोनाइज हो गए थे। पर क्वार्टर टू में ये कूल होना शुरू हुआ तो अब उसका असर आना चाहिए और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस बार फसल अच्छी रहेगी, क्रॉप अच्छी रहेगी, तो थोड़ा और अगर कूल डाउन हुआ तो हम लोग कहीं ना कहीं इसको कंज्यूमर को जरूर पास ऑन करेंगे, चाहे वो स्कीम के जरिए करें, चाहे वो हम एमआरपी के जरिए करें, पर हम जरूर पास ऑन करेंगे ये अगर थोड़ा और कूल ऑफ होगा तो। दीपक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद यही करते हैं कि जो गोल्स प्लान्स आपने सेट किए हैं, ये प्लान्स जो हैं आप अचीव कर पाएं। चलिए।